नमस्कार दोस्तों, अनिल कुशवाहा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, हम इस टाइम जंगल में आए हुए हैं। सुबह का टाइम है, मौसम पूरा कुहासा कुहासा, अब हल्के हल्के छटने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार की एक अच्छी पहल को दिखाने की पूरा कोशिश करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मिट्टी की खुदाई हुई है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आप सभी को दिखाते हैं। पूरे जंगल में जहाँ जहाँ के पूरे पौधे कट चुके हैं, देख सकते हैं ये जो गड्ढा आप सभी को दिख रहा है, इसमें पेड़ लगेंगे। क्योंकि जंगल आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जंगल नामो निशान, जैसे लग रहा है कि जंगल का ख़त्म होता जा रहा है। तो भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके लिए भारत सरकार का शुक्रगुजार करना चाहिए कि कम से कम वन्य को पौधों को फिर से उगाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि हमारे प्रकृति को, हमारे वातावरण को सुरक्षित किया जाए। और मानसून, उसी की वजह से मानसून नहीं बन पा रहा है। बारिश साल दर साल स्थिति बारिश की बहुत ही ख़राब होती चली जा रही। तो जहाँ तक आप लोगों की दूर दूर तक निगाह जाएगी, आप सभी देख सकते हैं चारों तरफ मिट्टी की खुदाई की गई है, ज़मीन की खुदाई की गई है पौधे लगाने के लिए। और इधर देख सकते हैं, बीच में इतना ये इतना बीच में रास्ता छोड़ा गया है आने जाने के लिए। और उसके उस पार भी, इधर देख सकते हैं रोड के उस पार, ये बीच में ये रोड है। आप सभी को मैं दिखाऊं, ये देखिए रोड है। इस साइड भी और इस साइड दोनों खुदाई की गई है। पूरे जंगलों में इस समय यही अभियान चल रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है भारत सरकार और मोदी सरकार की। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी पहल है, प्रकृति को सुरक्षित किया जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों आप सभी। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक संदेश पहुंचाया जाए कि आप भी अपने घरों के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि इस प्रकृति को सुरक्षित किया जाए, जिससे मानसून बने और शत प्रतिशत बारिश हो, जिससे हमारे वातावरण को लाभ मिले, इसका हमको लाभ मिले। तो ऐसे ही घूमने आया था, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो शूट किया जाए और आप सभी के साथ इसको शेयर किया जाए। बीच में ये रोड आने जाने के लिए छोड़ा गया है, और फिर इसके बाद ये जो मिट्टी का टिल बनाया हुआ है ऊँचा सा, ये बाउंड्री वॉल की तरह काम करेगा, जिससे जानवर अंदर नहीं जा पाएंगे और जो पेड़ पौधे लगेंगे वो जानवरों से सुरक्षित रहेगा। जो पशुपालक लोग आते हैं जंगल में, उसको भैंस को लेकर ध्यान नहीं देते हैं और भैंस सारे पौधों को नुकसान पहुंचाती है। और इधर जो बीच बीच में लकड़ी थे, उसको सब कटाई कर इसको साइड में इधर लकड़ी फेंक दिया गया है। इधर देख सकते हैं आप सभी, ये पूरा लकड़ी का जत्था लगा हुआ है इधर। अगर सलाई रहता तो मैं थोड़ा सा आग जलाकर सेक लेता। बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड है, और कुहासा लगभग काफ़ी हद तक छट चुका है। सुबह में तो इतनी ज़बरदस्त कोहरा था दोस्तों। इधर नीचे में भी चलेंगे, उधर दिखाएंगे कुछ कि बारिश का मौसम होता है, यहाँ का मंजर क्या होता है। और इस समय एकदम सूखा सूखा वीराना सा पड़ा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे जल्द एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और ऐसे ही पौधों का आप भी रोपण करें अपने घरों के आसपास, और इस वातावरण को सुरक्षित करें। मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।